मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जय बना दे मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जय बना दे तेरी करुणा से मुझे भर दे तेरी करुणा से मुझे भर दे मुझे तेरे जैसा बना दे मुझे तेरे जैसा बना दे मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे तेरे प्रेम से मुझे भर दे तेरे प्रेम से मुझे भर दे तेरे तरे जयसा बे मझे तेरे जयसा बनादे मेरे दिल में बसने वाले प्रभु तेरे तरे जयसा ब तेरी शांति से मुझे भर दे तेरी शांति से मुझे भर दे मुझे तेरे जैसा बना दे मुझे तेरे जैसा बना दे मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझ तेरे जय सबन दे मुझ तेरे जय सबन दे विश्वास में प्रिय भाइयों तथा तो बहनों हम प्रभु की करुणा पर बात करेंगे मनन चिंतन करेंगे प्रभु करुणा मय है यही वचन हमें बताता है यही वचन हमें समझाता है कि प्रभु करुणा मय है अफेसियों के नामपत्र दो अध्याय चार से पाँच वाक्य में हम पढ़ते हैं कि कैसे ईश्वर की दया अपार है उसने हमें इतना प्यार किया अपनी कृपा से हम लोगों का उद्धार किया प्रभु यीशु के साथ उन्होंने हमें जीवन प्रदान किया है तो ये प्रभु की करुणा के कारण ही है हमारे प्रति क्योंकि प्रभु करुणा में है वह चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ जीवन बिताएं। और प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हुए हमें अपने साथ रखे संतमती के सुसमाचार में नौ अध्याय तेरह वाक्य में हम पढ़ते हैं मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ तो प्रभु कहते हैं कि मैं दया चाहता हूँ मैं खुद दयावान हूँ मैं दयालु मैं करुणा मै हूँ इसलिए मैं करुणा चाहता हूँ मैं दया चाहता हूँ और प्रभु की दया अपार है मेरे लिए और आप सबके लिए भी प्रभु की दया अपार है करुणा जीवन में एक बहुमूल्य गुण है जिससे दूसरों के दुखों को हम कम करने में सहायक होते हैं तो ये करुणा के कारण ही हम दूसरों की सेवा करते हैं दूसरों को प्यार करते हैं और दूसरों के साथ साथ चलते हैं क्योंकि मानवीय पीड़ा में ईश्वर की दया ही एकमात्र साधन है जब हम पीड़ित होते हैं किसी भी दुख दर्द से हम पीड़ित होते हैं तो प्रभु की सांत्वना की हमें आवश्यकता होती प्रभु की करुणा की हमें आवश्यकता होती है और जब प्रभु करुणा दिखाते हैं तो हम भी प्रभु में हो जाते हैं और मानवीय पीड़ा कम हो जाती है इसलिए प्रभु की करुणा अपार है मानव के प्रति प्रभु की करुणा अपार है और प्रभु की करुणा के कारण ही हम भी प्रभु की कृपा से भर जाते हैं स्तोत्र बत्तीस और उसके पांच वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यह धरती ईश्वर की करुणा से परिपूर्ण है आज भी यदि हम जीवित हैं तो ये प्रभु की करुणा के कारण है यदि हम यहाँ पर खड़े हैं बैठे हैं तो ये प्रभु की करुणा के कारण है प्रभु की करुणा के कारण यह संसार कुछ पल भी आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक प्रभु की करुणा रहती है तब तक जीवन रहता है और प्रभु की करुणा ही जीवन का आधार है हम इतिहास के पहले पुस्तक में पढ़ते हैं सोलह अध्याय और चौंतीस वाक्य में के ईश्वर की करुणा हमेशा बनी रहती है ईश्वर की करुणा में कोई बदलाव नहीं आता है ईश्वर की करुणा निरंतर है ईश्वर की करुणा मेरे लिए है और आपके लिए हैं और ये करुणा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि ईश्वर की करुणा हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है और ईश्वर हर एक का ईश्वर है हम स्तोत्र 145 में पढ़ते हैं ईश्वर हर एक का ईश्वर है ईश्वर मेरा ईश्वर है ईश्वर आपका ईश्वर है इसलिए कभी भी हम ईश्वर के सामने जा सकते हैं इसलिए कभी भी हम ईश्वर के सामने गिड़गड़ा सकते हैं इसलिए कभी भी हम ईश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रख सकते हैं इसलिए कभी भी हम ईश्वर को अपना पिता कह सकते हैं और ईश्वर के प्रेम का ईश्वर की करुणा का ईश्वर की दया का हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं और उसके सभी कार्यों में उसकी करुणा प्रकट होती है जब हम दुख दर्द में होते हैं जब हम बीमारियों में होते हैं तो प्रभु का स्पर्श करुणा में स्पर्श हमें चंगाई देता है प्रभु का करुणा में स्पर्श हमें जीवन देता है प्रभु का करुणा में स्पर्श हमें दौड़ाता है अपने जीवन में हर बीमारी से छुटकारा देते हुए हमें अपने पीछे पीछे चलाता है ये प्रभु की करुणा के कारण ही है गणना की किताब में पुस्तक में ग्रंथ में हम पढ़ते हैं चौदह अध्याय अठारह और उन्नीस वाक्य में ईश्वर की करुणा महान है प्रभु देर से क्रोध करता है और अनुकंपा का धनी है वह अपराध और विरोध क्षमा करता है और मूसा कहते हैं इसलिए तू तो अपनी महान दया के अनुरूप इन लोगों का अपराध क्षमा कर जैसा कि तू तो मिस्र से यहाँ तक करता आया है मूसा का अनुभव देखिए उन्होंने मिस्र देश से इसराइल के पहले तक जो सफ़र किया और उसने प्रभु की करुणा का अपने जीवन में अनुभव किया इसलिए कहते हैं कि तू अपनी महान दया के अनुरूप इन लोगों का अपराध क्षमा कर जैसा कि तुम तो मिस्र से यहाँ तक करता आया है तो प्रभु की करुणा महान है प्रभु की करुणा की कोई भी तुलना नहीं है प्रभु अपने लोगों पर करुणा दिखाते हैं प्रभु अपने लोगों को अपने साथ साथ चलने के लिए उन्हें प्यार करते उन्हें क्षमा करते और उन पर करुणा बरसाते हैं तभी तो कहा है संतमती के सुसमाचार में कि हम भी करुणा में बने अध्याय पाँच और सात वाक्य पढ़ते धन्य हैं है वे जो दयालु हैं उन पर दया की जाएगी प्रभु दयालु है प्रभु करुणा में है हम जो उनके शिष्य हैं हम भी दयालु बने हम भी करुणा में बने और प्रभु की करुणा के कारण ही इस संसार में करुणा है इस संसार में प्रभु का प्रेम है इस संसार में, में प्रभु की दया है इस संसार में प्रभु की कृपा है हम लोग योना नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं बहुत ही दिलचस्प बात है तीन अध्याय और चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु योना नबी को बुलाते हैं। और योना नबी को कहते हैं कि आप निन्नवे शहर में जाइए और उन्हें संदेश दीजिए कि मैं इस शहर को नष्ट करूंगा और लोगों को उपदेश दीजिए और हम जानते हैं कि योना नबी निन्वे की ओर नहीं जाता है और योना नबी दूसरी दिशा की ओर चला जाता है और जब जहाज में जा रहा होता है तो वहाँ पर जहाज़ डूबने लगता है और योना वहाँ पर बैठा होता है जहाज़ के अंदर और जब जहाज़ गिरने लगता है तो तब पर्ची डाली जाती है और योना के नाम की पर्ची आती है क्योंकि वो लोग सोचते थे कि कोई ईश्वर की आज्ञा को भंग करते हुए आगे जीवन में बढ़ रहा है जो इसमें सफ़र कर रहा है और जोना के नाम की पर्ची आती है और जोना को समुद्र में फेंक दिया जाता है और जोना जो है सीधा मछली के पेट में चला जाता है मछली उनको निगल जाती है और तीसरे दिन मछली जो है जोना को तट पर बाहर फेंक देती है और ये तट जो है ये निनवे शहर की ओर होता है हम जानते हैं कि कैसे जोना नबी नहीं चाहता है कि वो निन में जाकर इसका प्रचार करे और जब वो लोगों को उपदेश देता है जब तट पर जाता है तट के बाद वो निनवे शहर की ओर जाता है और लोगों को उपदेश देता है कि 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा और जब ऐसा प्रचार जोना नबी करता है तो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और सभी टाट ओढ़ लेते हैं और पश्चाताप करते हैं लिखा है राजा ने भी अपना सिंहासन छोड़ दिया सभी ने उपवास रखा और पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देने का आदेश दिया गया और कुमार्ग व हिंसात्मक कार्य छोड़ने का आह्वान किया गया और विश्वास क्या था विश्वास यही था क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो और योना नबी जानते थे कि प्रभु दयालु है प्रभु करुणामय है और प्रभु अपना निर्णय बदल देंगे जब लोग विश्वास करेंगे जब लोग पश्चाताप करेंगे जब लोग पाप से मुँह मोड़ेंगे और इसी विश्वास के साथ लोगों ने भी पश्चाताप किया कि प्रभु द्रवित हो जाएंगे और प्रभु का क्रोध शांत हो जाएगा और हमारा विनाश नहीं होगा ये सब देखते हुए ईश्वर द्रवित हो गया जब सब ने पश्चाताप किया टोल लिए और प्रभु पर विश्वास किया और अपने पापों से मुंह मोड़ लिया तो ये सब देखकर प्रभु द्रवित हुए ईश्वर द्रवित हो गए और जो विपत्ति थी उनको निन्वे पर प्रभु ने नहीं आने दिया बात अभी पते की ये है कि योना नबी क्या कहता है योना नबी कहते हैं मैं जानता था कि तू करुणा मैं तथा दयालु ईश्वर है देर से क्रोध करने वाला है अनुग्रह का धनी है दंड देने को अनिच्छुक है और ये सब देखकर कर जो ना क्रोधित था और बाहर चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि प्रभु करुणामय है प्रभु परम दयालु ईश्वर है क्रोध देर से करता है अनुग्रह का धनी है प्रेम से परिपूर्ण है इसीलिए वो निर्मय शहर में नहीं जाता था क्योंकि उसको मालूम था कि प्रभु अपना विचार बदलेंगे यदि लोग पश्चाताप करेंगे और मैं जो भविष्यवाणी करूंगा तब लोग कहेंगे कि तुम तो भविष्यवाणी कर रहे थे कि हमारा सर्वनाश होगा लेकिन प्रभु ने हमारा सर्वनाश नहीं किया तो जो ना क्रोधित हो जाता है और बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि योना को समझाने के लिए ईश्वर क्या करते हैं प्रभु क्या करते हैं प्रभु ने एक कुंडरू लता लगाई और योना छाया तथा आराम के साथ उसके नीचे बैठने लगा क्योंकि ये वेल ये जो लता थी उसको छाया दे रही थी और लता से योना प्रसन्न था क्योंकि वो खुश था क्योंकि उसको धूप नहीं लग रही थी उसको छाया मिल रही थी आराम मिल रहा था और आराम से जोना इस लता के नीचे सोता है लेटता है और प्रभु ने क्या किया प्रभु ने कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह सूख गई जब वह लता को काट दिया गया वह सूख गई जोना फिर दुखी हुआ प्रभु कहते हैं तुम इस लता की चिंता करते हो जिसके लिए तुमने कोई परिश्रम नहीं किया तुम इस लता की चिंता करते हो जिसके लिए तुमने कोई परिश्रम नहीं किया तो क्या मैं इस महान नगर निर्वे की चिंता नहीं करूं उसमें एक लाख बीस हजार से भी ज्यादा लोग हैं और असंख्य जानवर हैं देखिए प्रभु कितने करुणामय हैं वो हर एक की चिंता करते हैं एक बार कुरुक्षेत्र में मैं बाल कटाने गया और नाई की दुकान में बैठा था और उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं पहले कभी आपको देखा नहीं है तो मैंने कहा कि मैं यहाँ भारत माता आश्रम में रहता हूँ और वहाँ से आया हूँ और नाई की जो है उनकी बुद्धि देखिए कितनी महान है उन्होंने कहा कि आप ईसाई हैं हम हिंदू हैं और देखिए ईश्वर कितना महान है एक एक की चिंता करता है ईश्वर को एक एक का नाम याद है वो मेरा ख्याल रखता है और वो आपका ख्याल रखता है और बहुत निजी तौर पर हर एक का ख्याल रखता है देखिए एक काम व्यक्ति है जो रोज बाल करता है और इतनी बुद्धि जो है उसने प्राप्त की कि प्रभु एक एक का ख्याल रखता है यही है निन्नवे शहर की कहानी प्रभु सबका ख्याल रखता है क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं किसी का भी सर्वनाश नहीं होने देना चाहता मैं नहीं चाहता कि किसी का सर्वनाश हो मैं यही चाहता हूँ कि सब बचाए जाएं मीका नबी के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं सात अध्याय और अठारह वाक्य में लिखा है तेरे सदृश तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता है पापों को अनदेखा करता है अपना क्रोध बनाए नहीं रखता है दया करना चाहता है कितनी महान बात तो मीका नबी कहते हैं कि हमारे प्रभु के जैसा कोई और प्रभु नहीं है हमारे ईश्वर के जैसा कोई और ईश्वर नहीं है क्योंकि वो ऐसा ईश्वर है जो दयालु है जो कृपालु है जो दयावान है जो करुणामय है तो हम प्रभु की करुणा का अपने जीवन में दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं ईसाइस नबी तैंतालीस अध्याय और पच्चीस वाक्य में हम पढ़ते हैं प्रभु कहते हैं मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध दोह डालता है मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता तो हम देखते हैं प्रभु हमारे पापों को याद नहीं करते इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाप करते जाएं क्योंकि प्रभु याद नहीं करते इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपराधों में आगे बढ़ते जाएं क्योंकि प्रभु याद नहीं करते नहीं पश्चाताप की आवश्यकता है और पश्चाताप करते हुए हम जो है प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं जब हम पश्चाताप करते हैं प्रभु हमें क्षमा करता है और तभी प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता जब तुम पश्चाताप करते हो तो मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता और करुणा हमें स्वतंत्र करती है जब हम प्रभु की करुणा का अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो करुणा हमें आजाद करती है करुणा हमें स्वतंत्र कर देती है संत योहन के सुसमाचार में आठ अध्याय तीन से ग्यारह वाक्य में हम पढ़ते हैं कि जो निष्पाप है पहला पत्थर मारे प्रभु यीशु ने कहा उस महिला को जो व्यभिचार के कारण पकड़ी गई थी कहा कि जब लोग उसे पत्थर मार देना चाहते हैं तो लोगों को प्रभु कहते हैं जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे तो करुणा मैं यीशु हमारे पापों को क्षमा करते हैं हमें मुक्त करते हैं और स्त्री को पाप मुक्त कर देते हैं आज़ाद कर देते हैं हर प्रकार की हीन भावना से मुक्त कर देते हैं स्वतंत्र कर देते हैं और प्रभु की करुणा हमारे लिए महान है जब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं पापी से पापी भी प्रभु की चरणों में जाते हैं तो प्रभु उन्हें भी क्षमा करता है तीतुस के पत्र में हम पढ़ते हैं तीन अध्याय पांच वाक्य में संत पौलुस कहते हैं कि उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उधार किया है उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया बल्कि इसलिए कि वह दयालु है इसलिए वो हमारा उधार करता है क्योंकि वह दयालु है इसलिए हमारे पापों को क्षमा करता है क्योंकि वह दयालु है इसलिए हमें प्यार करता है क्योंकि वो दयालु है इसलिए हमारे साथ क्रोधित नहीं होता है क्योंकि वह दयालु है और करुणामय है इसलिए हमारे कुकर्मा को अनदेखा कर देता है प्रभु परम दयालु है यही संत पौलो तीतु उसको बताना चाहते हैं कि प्रभु परम दयालु है और संत योहन के सुसमाचार में बारह अध्याय संतालीस वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु येसु दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु संसार को बचाने के लिए आए हैं प्रभु येसु हमें दोषी नहीं ठहराते वो हमारे पापों को क्षमा करते हुए करुणा दिखाते हुए वह हमें बचाते हैं हमें मुक्ति देते हैं प्रभु हमेशा हमेशा हमारी भलाई के लिए ही कार्यरत रहते हैं प्रभु हमें करुणा दिखाते हैं अपनी करुणा से हमें भर देते हैं और अपनी करुणा हम पर बरसाते हैं अपने प्रेम से हमें भर देते हैं इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं चार अध्याय सोलह वाक्य में लेखक कहते हैं हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं जिससे हमें दया मिले हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी तो हम भरोसे के साथ प्रभु के पास जाएं बहुत से लोग जो हैं पाप स्वीकार नहीं करते हैं बहुत से लोग जो हैं प्रभु के सामने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगते हैं बहुत से लोग जो हैं पाप में डूबते ही जाते हैं कई बार हम किसी से पूछते हैं क्या पाप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं और उनका यही उत्तर होता है कि जब हम पाप स्वीकार करते हैं उन्हीं पापों में फिर हम गिर जाते हैं ये केवल इच्छा शक्ति की कमी है हम हम में क्योंकि जब प्रभु हमें क्षमा करते हैं प्रभु हमें दया दिखलाते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं पवित्र हो जाते हैं और जब हम प्रभु के चरणों में चले जाते हैं प्रभु हमें प्यार करते हैं प्रभु हम पर करुणा बरसाते तो हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिलती है और जिससे हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करती है संत लूकस के सुसमाचार पंद्रह अध्याय ग्यारह से बत्तीस वाक्य में हम पढ़ते हैं कि हम पिता की करुणा के बारे में सुनते हैं कैसे जब उड़ाऊ पुत्र होश में आता है और पिता के पास वापस लौटता है तो हम देखते हैं कि पिता की करुणा पनपति है पिता का प्रेम उसके जीवन में फिर से मिलता है और जब वो कंगाल हो जाता है और एक बार फिर जो है पिता की दयालुता और महानता उसे याद आती है और पहले इस उड़ौ पुत्र ने साथ रहकर भी पिता की करुणा का स्वतंत्रता का प्रेम का अनुभव नहीं किया था लेकिन जब होश में आता है और लौट कर आता है तो कैसे वो अपने पिता की करुणा और प्रेम का अनुभव करता है संदमति के सुसमाचार 18 अध्याय 12 से 14 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की करुणा खोए हुए को फिर से एकत्रित करती है निन्याबे की को छोड़कर एक भेड़ की खोज में जाती है करुणा के कारण ही मालिक जो है उसके पीछे जाता है क्योंकि वो खो जाती है उसको फिर से प्राप्त करने के लिए फिर से पाने के लिए मालिक गडेरिया चरवाहा उसके पीछे जाता है और हम लोग संतमती के सुसमाचार अध्याय तेरा वाक्य में पढ़ते हैं कि प्रभु धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बुलाने आए हैं तो प्रिय भाइयों तथा तो बहनों हम देखते हैं कि प्रभु की करुणा कितनी अपार है हम कितना भी पाप क्यों नहीं करते हैं लेकिन प्रभु हमेशा हमें अपनी तरफ खींचते हैं आकर्षित करते हैं अपने प्रेम के द्वारा अपनी करुणा के द्वारा और अपनी महानता के द्वारा हमें अपनी तरफ खींचते हैं हम अपने पापों को पीछे छोड़ते हुए प्रभु के चरणों में जाएं, उस सिंहासन के पास जाएं जो अनुग्रह से भरपूर सिंहासन है और प्रभु अवश्य हमें क्षमा करते हैं और अब हमें अपनाते हैं आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तो परम दयालु है और तू तो करुणा है तू तो प्रेमी है इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं बहुत बार हम तुझसे बहुत दूर भटक जाते हैं लेकिन फिर भी तो हमें अकेला नहीं छोड़ता है इसलिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर और हमारे रोगों से हमें शिफा दे मुक्त कर ताकि हम हमेशा तेरे साथ जुड़े रहें और कभी भी तुझसे दूर ना हो जाएं प्रार्थना करते अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन